नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील बार एसोसिएशन सभागार में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री स्वर्गीय अरुण कुमार यादव के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बार एसोसिएशन की ओर से रखा गया, जिसमें फतेहपुर से जनपद न्यायाधीश संजय कुमार वर्मा, अपर जिला जज प्रथम राजेंद्र सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू कुमारी, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट खागा आदिल रंजन जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रमोद और खागा बार एसोसिएशन के रामलखन सिंह, बाबूलाल मौर्य, कृष्णकांत तिवारी, वीरेंद्र सिंह तोमर, मूलचंद तिवारी, राजेंद्र सिंह पूर्व अध्यक्ष, महेंद्र राज सिंह, हनुमान सिंह यादव, अशोक कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण श्रीवास्तव, रामलखन वाजपेयी, अर्जुन सिंह, विमल सिंह पूर्व महामंत्री, सुशील मिश्र पूर्व अध्यक्ष, बाबू सिंह यादव, बुद्ध प्रकाश सिंह, जगनायक सिंह, चंद्रभान उर्फ बब्बू सिंह, पीयूष सिंह प्रमोद, खागा तहसील के सभी एडवोकेट और संभ्रांत वर्ग के लोगों ने एक जजबाज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वर्गीय अरुण कुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और आप लोगों को बताते चले कि अरुण कुमार यादव एक अच्छे एडवोकेट के साथ एक अच्छे नेता भी रहे हैं, जिन्होंने खागा बचाव आंदोलन किया था, जिसमें एक अच्छी जीत हासिल की थी। नहीं आज खागा तहसील क्षेत्र का कुछ हिस्सा फतेहपुर से हटकर कौशाम्बी में जुड़ गया होता। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय अरुण कुमार यादव के बेटे, जो उनके सीट को संभाल रहे हैं, वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछने रहे और सभी लोगों के मार्गदर्शन की अपेक्षा लेकर आगे बढ़ने को सोच रखा है और यही कहते रहे कि मेरे पिता ही नहीं मेरे गुरु भी है, हमेशा मेरे साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आए सुने क्या कहा एडवोकेट आशुतोष पांडेय जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा आदित्य रंजन जी, महामंत्री मॉडल वार फतेहपुर के बड़े भाई बुद्ध प्रकाश सिंह जी, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रधानमंत्री में बीच अधिवक्ता दिवंगत अभियंता श्री अरुण कुमार यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हम संजय सिंह जनपद न्यायाधीश महोदय से चाहेंगे कि आप इसे हमारे खागा के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामलखन वाजपेयी जी, अब हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने पंथ से निकलकर पुष्पांजलि। और लोगों के ऊपर विश्वास करने की क्षमता अटूट थी।
कितना भी कोई किसी भी ये कह दे कि आपके साथ नहीं है या आपकी बात नहीं मानेंगे तो हरदम कहते थे लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे हमारे परिवारिक संबंध है, 40-40 साल के संबंध है, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। कचहरी में आगा वो शादी में जा रहा था, आगा बचाओ आंदोलन के अग्रत बने और बहुत लंबी लड़ाई चली, तब खागा और सामने से हटकर फतेहपुर जिले में रहा।